नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही कहा कि जल्द ही बाजरे व धान की सरकारी खरीद होगी और भावांतर योजना में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो FIR दर्ज की जाएगी। मंत्री जी अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर तुरंत समाधान के निर्देश दिए के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और किसानों के मुद्दों व समस्याओं के साथ फसलों की खरीद व मुआवजे की जानकारी दी। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कामना की कि पीएम मोदी की उम्र लंबी हो और वो ज्यादा से ज्यादा समय देश की सेवा करे। इसके बाद उन्होंने कहा कि 20 सितंबर के पास बाजरे व धान की खरीद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 6-7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद MSP पर होगी और बाकी बाजरे की खरीद भावांतर योजना के तहत होगी। उन्होंने कहा कि इस बार भावांतर योजना में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और किसी ने की तो FIR दर्ज की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन की उनको बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और देश की जनता की लंबे समय तक सेवा करें। जहाँ तक किसानों की बात है, बाजरा और धान की खरीद जल्दी करने वाले हैं। हमने धान के लिए भारत सरकार से इजाज़त मांगी है कि 20 तारीख से खरीद कर दें और कल मैं जा रहा हूँ उसका भी बाजरे की खरीद की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे। सर, पिछली बार जो है भावांतर के तहत बाजरे की खरीद हुई थी, इस बार MSP पर होगी या भावांतर? हम दोनों काम करने की सोच रहे हैं कि इस बार जो है भारत सरकार ने हमें इजाज़त दी है कि 6-7 लाख टन वो लेने को तैयार हैं, तो जितना भारत सरकार चाहेगी खरीद के उनको दे देंगे और बाकी जो रहेगा उनको भावांतर दे देंगे। पिछले साल सर भावांतर में गड़बड़ हुई थी, कई लोगों ने, इस बार हमने छटनी करवाई है, पूरे 90 लाख एकड़ ज़मीन की छटनी करवाई है और उसमें जो किसान काश्तकार दिखा रखे हैं, अपने ज़िले से बाहर है, अपने गांव से बाहर है, उनकी दोबारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार गड़बड़ की थी लेकिन इस बार हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। सर, जो काफ़ी हरियाणा में जो आधे में बाढ़ आई थी, आधा में सूखा हुआ था, तो क्या उसकी गिरदावरी पूरी हो चुकी है? बाढ़ का हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू किया था बहुत सा और उसका पैसा देना शुरू भी कर दिया है। किसी का मकान गिराया है, किसी जो पिछले दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसकी बिजाई धान खराब दोबारा बिजाई कर दी उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं और जो आकलन होके आ गया है हमारा जो FCR के पास, जल्दी से जल्दी उनके खाते में पैसा चला जाएगा। सर, गेहूँ और सरसों की बिजाई का समय आने वाला है, खाद के लिए हाहाकार मचे क्या प्रबंध? नहीं, अभी तक तो कहीं हाहाकार नहीं है, हमारे पास पर्याप्त खाद है और हम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो हैं मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके पास गए थे जब G20 का था और उनसे प्रार्थना की थी कि हमें पर्याप्त मात्रा में खाद दें। रविवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा चौक क्षेत्र में अनेक संगठनों ने एकत्रित होकर हवन यज्ञ किया और प्रसाद वितरण किया। इससे पहले नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर फूल मालाएं चढ़ाई गई और पुष्पांजलि अर्पित की। रविवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर छोटी काशी के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर भिवानी के विभिन्न सामाजिक संगठन पदाधिकारियों ने विश्वकर्मा पार्क में हवन यज्ञ का आयोजन करके भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें बधाई दी एक दूसरे को और इसी के साथ साथ इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा का प्रसाद का भोग लगाकर उपस्थित नागरिकों को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने भगवान विश्वकर्मा को विशाल शिल्पीकार बताया और उनके बताए मार्ग चलने का संदेश दिया। प्रकाश जांगड़ा, प्रधान अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा जिला भिवानी। आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई गई, इसमें सबसे पहले हवन पूजा की गई, उसके बाद में जो दानी दाताओं का जो शिलापट था उनका अनावरण किया गया और उसके बाद में भगवान विश्वकर्मा की आरती बोली गई। उसके बाद में सभी ने बड़ी जोर शोर से जयकारे लगाए गए और भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारे समाज की जितनी भी बुराइयां हैं वो भगवान हमारे समाज की बुराइयां दूर करें और हमारे समाज को आगे बढ़ने में आशीर्वाद दें
और इसके साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। एडवोकेट मैं प्रधान हूँ विश्वकर्मा शिक्षा एवं कल्याण समिति का। कई दिनों से हमारे मन में थी कि समाज को एक अच्छे माहौल में इकट्ठा करें। आज वो शुभ दिन आया कि विश्वकर्मा जयंती पे समाज के एक बुलावे के साथ में सारा समाज इकट्ठा हुआ और शुद्धिकरण आहुति दी गई। प्रोग्राम भगवान विश्वकर्मा जयंती पे किया गया, साथ ही साथ में पूरे समाज में हमारा जो एक तरह से लोग पिछड़े रूप में देखते हैं, हम आह्वान करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो ताकत है, हम एकजुट हैं, एक बुलावे के साथ में कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे बात सामाजिक स्तर की हो या राजनीतिक स्तर की। एडवोकेट मीना जांगड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जांगिड़ समाज। आज ये बड़ी खुशी की बात है, आप ये देख रहे हैं कि हम खाली एक जाति से नहीं, यहाँ 36 बिरादरी के लोग मेरे साथी सभी उपस्थित हैं और सभी ने ये दिखा दिया कि हम सब एक हैं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हम सब एक हैं। हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम सभी एक हैं। भगवान विश्वकर्मा की तरफ से हम सब की तरफ से नमन। भिवानी के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठान जी पवन कुमार एंड कंपनी की ओर से स्थानीय नया बाजार में ब्रांडेड कंपनी के नए शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे और संचालक एवं कंपनी के लिए शुभकामनाएं दी गई। रविवार को नया बाजार स्थित मल्टी ब्रांड कस्टमाइज्ड होम फर्निशिंग के ग्रैंड शोरूम की ओपनिंग की गई। जी पवन कुमार एंड कंपनी के द्वारा नए शोरूम के शुभारंभ नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों के साथ विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत अग्रवाल के परिजनों व उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। वहीं इस अवसर पर शोरूम संचालक लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने बताया कि उनके शोरूम पर ब्रांडेड कंपनी के मैट्रेस, कारपेट्स व कर्टेन्स इत्यादि को अत्यंत सुविधाजनक मूल्यों पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारा जी पवन कुमार के नाम से जो फर्म है, ये करीबन 40 साल पुरानी चलती आ रही है। बिचला बाजार में हमारी पुरानी शॉप है, अब उसका अपडेट करके हमने नए बाजार में नई जगह शोरूम नया बनाया है, जिसके इस छत के एक ही छत के नीचे सब सामान है और सारी आइटमें इसके अंदर में फर्निशिंग से रिलेटेड सब है, जिसमें हम गद्दों का काम, जो स्लीपवेल के गद्दे हैं और बेडशीट वगैरह का काम, ये हमारा बहुत पुराना है जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। सोफ़ा वगैरह का सारा सामान रखते हैं हम। और आज हमारे शोरूम पे घनश्याम दास जी विधायक जी आए और हमारे लायंस क्लब के पदाधिकारी और मेंबर्स आए हैं और हमारे मित्रगण हैं, सभी हैं, मेरे सपोर्ट, मेरे दोस्त पूनम बजाज जी हैं, सभी साथ मेरे आए हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि सब ने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आई है। नई के अंदर में हम लोगों ने सोफा का सारा मटेरियल रखा हुआ है, पर्दों का नया बढ़िया अच्छी क्वालिटी की वैरायटी के पर्दे रखे हुए हैं, रक्स कारपेट इंपोर्टेड जो आजकल आज चल रहे हैं, ये टर्की के आते हैं वो रखे हैं हमने इसको, और पायदान वायदान सब मतलब उसी चीज़ की आइटमें हैं, प्लस वाई ब्लाइंड और वॉलपेपर का काम हम लोगों ने इसमें नया ऐड किया है, साथ में वुडन फ्लोरिंग की हुई है। भिवानी के लघु सचिवालय परिसर के बाहर करीबन 6 माह से चल रहे धरना स्थल पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले वेद प्रकाश कटारिया के मामले को लेकर सरकार व जिला प्रशासन पर रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए गए। वहीं यहां एकत्रित लोगों ने 19 तारीख को महापंचायत के आयोजन की बात भी। लघु सचिवालय के बाहर रोहनाथ के ग्रामीणों के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 6 दिन पहले रोहनाथ निवासी वेद प्रकाश कटारिया ने पेड़ पर फंदा लगाकर अपना जीवन दान कर दिया था। वेद प्रकाश कटारिया ने हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन पर उनके गांव की जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने के अनेक आरोप लगाए थे। रविवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा व किसान नेता रवि आजाद ने पहुंचकर धरनारत रोहनाथ के लोगों को अपना समर्थन दिया। वहीं धरनारत रोहनाथ वासियों ने आगामी 19 सितंबर को इस मामले को लेकर महापंचायत का निर्णय भी लिया है। महापंचायत में विभिन्न खाप नेता, सामाजिक संगठन और विभिन्न पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे। ये एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे वेद प्रकाश जी ने जिस तरीके से शहादत दी, वो एक मुद्दे को लेके दी, गाँव के मान सम्मान को लेके जो वो संघर्ष कर रहे थे, सरकार ने प्रताड़ित किया, सरकारी अधिकारियों ने प्रताड़ित किया, उस प्रताड़ना से दुखी होके दी और अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम लिख के गए हैं। डीसी का नाम लिख के गए हैं, डीआरओ का नाम लिख के गए हैं, कानूनगो का नाम लिख के गए हैं। तो इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ
तुरंत प्रभाव से एफआईआर दाखिल क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, इसके लिए हमें जवाब चाहिए सरकार से। ये एफआईआर तुरंत लिखी जानी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तीनों लोगों की। किसी व्यक्ति को जो सरकारी विभाग में आता है उसको इस हद तक प्रताड़ित कर देना कि वो अपनी जान दे दे, ये सबसे बड़ा क्राइम है। सरकारी तनख्वाह भी लेते हैं, इसी काम के लिए लेते हैं, लोगों के काम करने के लिए लेते हैं, और उसके बाद लोगों को प्रताड़ित करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गांव के मान सम्मान की लड़ाई जो लंबे समय से चली आ रही है उसको लेके सरकार को एक कमेटी बना के और बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, गांव के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस प्रदेश में मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोगों का क्या होगा। हमारे मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, गांव में आके कह के गए कि आपकी सारी मांगे, आपका मान सम्मान की बात रखेंगे, सारी चीज़ें सुलझा देंगे, उस बात को आज पाँच साल हो गए उस बात को वापस पलट के नहीं आए। ना वो बातें मानी गई जो समझौता हुआ था, जो पिछली बार आंदोलन के दौरान साथी शहीद हुए थे संत लाल जी, उनके लिए भी कॉम्पनसेशन देने की बात हुई थी। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि 12 लाख कॉम्पनसेशन के ऊपर सरकार से सहमति बनी और आज तक भी सिर्फ 6 लाख रुपए परिवार को दिए गए हैं। इससे शर्मनाक तो कुछ नहीं हो सकता। परिवार को नौकरी देने की बात हुई थी, परिवार को नौकरी नहीं दी गई। जिस सरकार की जुबान नहीं है, जो अपनी जुबान पे कायम नहीं रह सकते, वो सरकार कुछ भी और काम नहीं कर सकती मेरी दृष्टि में। इसलिए मेरा अनुरोध है एक बार फिर मुख्यमंत्री जी, अगर कहीं भी इस बात को सुन रहे हो तो इस दुनिया में ना सही, इस धरती में ना सही, जब दूसरे लोक में जाओगे तो भगवान को तो जवाब देना ही है, तो कम से कम उसी नाते से ही वो बात सोच के ही अपनी जुबान की कीमत रखिए। गांव के मान सम्मान के लिए आपने जो वादा किया था उस वादे को निभाइए। और सबसे पहले तो मैं अपने चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे यहाँ पहुँचे। जब 1857 की क्रांति में सबसे पहले हमारे गांव ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव गुलाम कर दिया अंग्रेजों ने, और नीलाम करने के बाद जितना जो कुछ था हमारा सब कुछ छीन लिया। और काफ़ी दिन से अब हमारा धरना चल रहा है, 1955 से हमारा संघर्ष चलता आ रहा था। और इस धरने में एक शहादत पहले भी हुई थी, एक अब हो चुकी है। अब तो हमारा कोई मैटर नहीं है, सरकार से हम अपने कागज मांग रहे थे, तो कागजों के चक्कर में सरकार हमें काफ़ी चक्कर कटा रही थी और हमारे साथ अन्याय हुआ। अब हमने कल एक बड़ी कॉल करने का निर्णय लिया था, बुधवार का लिया था, उसको हम मंगलवार को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संघ में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।